नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग जी में। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में जो हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी से संबंधित हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसमें हमने भारतीय संविधान के इतिहास से लेकर के भारतीय संविधान के प्रवर्तन तक के महत्वपूर्ण सवालों को पूछा था। ये वीडियो उनके उत्तर के सहित आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अपेक्षाकृत बहुत ही कम लोगों ने उसके आंसर दिए थे, तो अगर आपने नहीं दिए हैं आंसर तो भी आप इस वीडियो को देख करके सारे आंसर्स को जान सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और अगर आपने आंसर दिए थे तो आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये सवाल थे भाग प्रथम से लेकर के भाग पांचवें तक के वीडियोस के, मतलब जब तक भाग प्रवर्तन तक की हमने श्रृंखला आपको प्रोवाइड की थी उनकी, और अभी करंट में हम भाग सात तक के वीडियोस को आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हमने संविधान के बाईस भागों में जो दूसरा भाग है, इसके बाद नागरिकता, उन तक की वीडियोस जो आपको प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा मूल अधिकारों का, वो आपको मोस्ट रिसेंट जो आपको देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला सवाल था हमारा, किस एक्ट के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का गठन किया गया। महत्वपूर्ण सवाल था, किस एक्ट के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का गठन हुआ था। तो इसका सही आंसर है, जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, उसी के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का गठन किया गया था। डिटेल आपने अगर नहीं देखी है, आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप यहाँ पर वीडियो के राइट साइड टॉप पर क्लिक करके कार्ड पे वीडियोस की लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से सारे वीडियोस देख सकते हैं। दूसरा सवाल था, भारत परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। कुल 15 सदस्य होते थे, 8 सदस्यों की नियुक्ति सम्राट करता था और 7 सदस्यों का चुनाव होता था। ठीक है, तो सम्राट कितने सदस्यों की नियुक्ति करता था, कुल 8। अगला सवाल था, किस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल अपनी समिति के निर्णय को बदल सकने की शक्ति रखता था। तो वो कौन सा एक्ट था, तो इसमें यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, 1786 का जो एक्ट था उसके द्वारा, 1786 के चार्टर एक्ट के बाद जो गवर्नर जनरल था उसको यह अधिकार था कि वह अपनी समिति के निर्णय को बदल सकता है। अगला सवाल, किस एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसका सही आंसर है, 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहराया। अगला सवाल था, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किस एक्ट को कहा जाता है। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है वो मार्ले मिंटो सुधार 1909, ठीक है, 1909 मार्ले मिंटो सुधार को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। किस प्रकार से, उसकी नींव कैसे पड़ी, उसके लिए आप वीडियो जरूर देखें। अगला सवाल था, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब, किसने और कहां पढ़ा। तो इसका सही आंसर है, लॉर्ड कैनिन ने 1858 में नैनी इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसको अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, उसको पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट था, साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे और ये किसके प्रति उत्तरदायी थे। साइमन आयोग कुल 7 सदस्य था और ये सारे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, कितने सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे और ये किसके प्रति उत्तरदायी थे, ब्रिटिश संसद के प्रति। नेक्स्ट सवाल था, किस एक्ट के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो लोक सेवा आयोग का गठन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा, जो कि 1919 में आया, उसके आधार पर किया गया। ठीक है, तो महत्वपूर्ण एक्ट कौन सा था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ठीक है, इसी एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन के क्षेत्र को और बढ़ाया गया। नेक्स्ट सवाल था, उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली। तो उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली, 22 जनवरी 1947 को। कब मंजूरी मिली, 22 जनवरी 1947 को। अगला सवाल था, गोल में सम्मेलन क्यों हुए थे। और दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित एक और महत्वपूर्ण सवाल जो यहाँ पर टाइप नहीं है, वो ये है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया। तो ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1940 को। ठीक है, किस प्रकार से कि जब बैठकें हुई उसके दो दिन बाद, हमने कहा था कि 9, 11 और 13, ये तीनों डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 13 जो दिसंबर था, वह उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया था। अगला सवाल था, गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए थे। तो जो साइमन आयोग आया था, इसकी जो सिफारिशें थी उसी पे विचार है, तो 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। ठीक है, डिटेल हमने पिछले वीडियोज में आपको प्रोवाइड किए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट सवाल था, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं व कितनी अनुसूचियां थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि वर्तमान संविधान की नींव कहा जाता है, उसमें कुल 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां शामिल थी। अगला सवाल था,
कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे और अध्यक्ष कौन था। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य 3 थे, अध्यक्ष थे लॉर्ड पेंटिंग लॉरेंस और सदस्य में स्टीफन क्रिप्स और जो एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य इसके थे। अगला सवाल था, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, संविधान सभा में जो कुल सीटें थी वो थी 389 और जो कांग्रेस को मिली थी वो मिली थी 208 सीटें, वो भी कितने में से, 296 में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, क्योंकि बाकी जो 93 सीटें थी वो किसके लिए, देश रियासतों के लिए रिजर्व थी। ठीक है, तो इसकी डिटेल भी आप वीडियोस में पा सकते हैं, डिटेल वीडियोस आपको प्रोवाइड किए थे, उम्मीद है आपने जरूर देखे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस हैं। अगला सवाल था, माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा की सीटें कितनी हुई। संविधान सभा की 389 में से कितनी सीटें शेष बची, जब भारत का बंटवारा निश्चित हो गया तो उस समय जो शेष सीटें बची थी वो थी 299। ठीक है, कुल 299 सीटें शेष बची। आगे सवाल थे जो हमारे, वो थे संविधान सभा में विधायिका की बैठक की अध्यक्षता कौन करता था। जैसा कि हमने जानकारी प्राप्त की थी, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय संविधान के साथ साथ विधायिका का भी निर्माण चल रहा था, अल्टरनेट डेज पर दोनों की बैठक होती थी। तो जब बैठक होती थी संविधान की, उस समय अध्यक्षता जो होती थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी, लेकिन जब विधायिका की बैठक होती थी तो उस समय अध्यक्षता कौन करता था, जीवी मालवांकर जी। ठीक है, अगला सवाल था, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई और संविधान कब जो है लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को किया गया और जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। अगला सवाल था, संविधान के प्रभाव में आते समय कुल अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद थे। तो कुल 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे जिस समय संविधान प्रभाव में आया। अगला सवाल था, संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष जो थे वो H.C. मुखर्जी को नियुक्त किया गया था। साथ ही साथ इसी से संबंधित सवाल था, किसको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था B.N. रॉय को। B.N. रॉय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। कांग्रेस ने भारत के पृथक संविधान की मांग कब उठाई, तो ये उठाई गई 1935 में कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि सर्वप्रथम जब 1934 में इसकी मांग उठाई गई किसके द्वारा, तो सर्वप्रथम संविधान के निर्माण पर विचार किसने और कब पेश किया, तो 1934 में M.N. रॉय ने इसका विचार पेश किया कि भारत का संविधान पृथक होना चाहिए, और 1935 में जो कांग्रेस थी उसने अपनी मांग उठाई। अगला सवाल था, किस एक्ट ने संघ लोक सेवा के साथ साथ राज्य लोक सेवा के लिए भी रास्ते खोले। तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों ये सवाल थे महत्वपूर्ण, जो कि 22 सवाल थे भारत संविधान के इतिहास से लेकर के भारत संविधान के निर्माण और उसके लागू होने तक के। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको कमेंट करके हमें जरूर बताएं हमारे वीडियोज कैसे लगे। अभी तक हमने आपको कुल जितने भी वीडियोस प्रोवाइड किए हैं भारतीय राजव्यवस्था के, उनकी लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। और रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें, जिससे सारे वीडियोस आप सबसे पहले देख करके उनका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।